नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भौतराइस एकेडमी में। डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाले हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो दिन का करंट अफेयर्स कंबाइनली 9th एंड 10th ऑफ अगस्त 2022। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट हाँ, पीडीएफ लिंक का जो लिंक रहने वाला है वो नीचे डाउनलोड सेशन में आप लोग को लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द फ्री सेमिनार, जी हाँ दोस्तों, 13th ऑफ अगस्त जोरहाट में हम लोग प्रेजेंट होंगे 13th ऑफ अगस्त 2:30 PM को। अगर आपको इस सेशन को अटेंड करना है तो प्लीज़ इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन फिलअप ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया है, NIFDY दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा के रिलेटेड न्यूज़ में था। CM हेमंत बिश्व शर्मा ने फॉर्मली इनॉग्रेट किया इसके माइक्रो लेंडिंग स्कीम और इसके रिलेटेड जो NIFDY हार्ट वेबसाइट है ना और मोबाइल ऐप, उस सबको बेसिकली इनॉग्रेट किया। तो इसी के बारे में थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं, यू नेवर नो, इट माइट कम डायरेक्टली हैंडी इन योर पेपर एज वेल। NIFDY नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये नोटिफाई किया गया जाता है एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और इसको रजिस्टर किया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अंडर जो कि RBI के साथ। एनीवेज, नोडल मिनिस्ट्री इसका मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज डोनर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और इसका मेन एम यही है दैट जो माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज इंटरप्राइजेस है ना उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जिससे वो सेटअप कर सके अपने खुद का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री अलाइड प्रोजेक्ट्स, वो भी कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। ठीक है, चलो बिसाइड फाइनेंसिंग के साथ साथ ये डिफरेंट अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, पता है क्या क्या, वो है कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज। अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर डिफरेंट अदर एजेंसीज जो कि स्टेट में काम कर रही है उनको अगर चाहिए होगा तो वो प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है और जो ये जो है ना काम करती है एज अ नोडल एजेंसीज भी। किस लिए भैया, फॉर द डिसबर्सल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंसेंटिव जो क्या इंडस्ट्रीज के लिए होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में जो इंडस्ट्री सेटअप होती है उनके रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट भी न्यूज़ असम ट्रिब्यून से ही लिया गया है, असम लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के बारे में। कैबिनेट ने अप्रूव किया था असम लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, जिसका मेन एम हम लोग देख लेते हैं दैट है क्या। देखो बेसिकली इसके तहत सेटअप करना है स्टेट ऑफ आर्ट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अभी तक स्टेट में कमी थी। इससे क्या फ़ायदा होगा बताओ तो, इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पता है लॉजिस्टिक हब हो सकता है। अब देखो आप अगर लॉजिस्टिक में एक पैसेज प्रोवाइड करके दोगे ना, तभी फ्यूचर में और भी स्टार्टअप्स और भी इंडस्ट्रीज आने को डरेगी नहीं, क्योंकि अभी पता है डर क्या है, दैट लॉजिस्टिक फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। लॉजिस्टिक फैसिलिटीज अगर प्रॉपर नहीं होंगी तो आप सोचो बिजनेस कैसे प्रॉपरली होगा। ठीक है, बट अगर ये सब सारे प्रॉब्लम्स चले जाए तो लॉजिस्टिक मतलब काफ़ी हद तक जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम या फिर आत्मनिर्भर भारत स्कीम है ना उसको नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल इसका प्रॉपरली हम लोग रियलाइज भी कर सकते हैं। इसको हेड किया जाता है भाई ये सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर और इसकी इवैल्यूएशन और इंसेंटिव डिस्पर्समेंट की जाएगी थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल। ये एक बेसिकली डेडिकेटेड लैंड भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या इंक्लूड करेगा लॉजिस्टिक्स पार्क्स को, ट्रक्स टर्मिनल्स को, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग 500 पास के रिलेटेड न्यूज़ है। देखो न्यूज़ एज सच क्या है ये तो मैं बोल सकता हूँ प्लेसेस इन न्यूज़ के में ही आप कंसीडर करो, क्योंकि रिसेंटली असम राइफल ट्रूप्स जो है ना इन्होंने फॉइल कर दिया है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट थ्रू द पास। ये पास कहाँ है, यहाँ पर है 500 पास। ठीक है, याद रखना इस पास को, लोकेशन देख कर रहना। नेक्स्ट PIB से ये न्यूज़ लिया गया था रिगार्डिंग नेशनल वाटर अवार्ड्स, 4th नेशनल वाटर अवार्ड को लॉन्च किया गया था नॉमिनेशंस के लिए। अच्छा, नॉर्थ नेशनल वाटर अवार्ड नाम से ही पता चल जा रहा है, किस लिए दिया जाता होगा बताइए तो, अगर फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में आपने कुछ अच्छा से काम किया होगा तो ये दिया जाता है। जी हाँ, तो ये 2018 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और पहला नेशनल वाटर अवार्ड जो है ना 2018 को ही दिया गया था भाई जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि देखो इस अवार्ड को देने का मतलब भी कहीं ना कहीं सरकार का एक मंशा है, दैट इज सरकार की जो विजन है ना जल समृद्धि भारत वो इंश्योर कर सके ना। थर्ड, अभी तो ये 4th नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, बट 3rd वाटर नेशनल वाटर अवार्ड की अगर बारे में बात की जाए तो बेस्ट स्टेट जो थी वो थी उत्तर प्रदेश, उसके बाद था राजस्थान और तमिलनाडु, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर वॉज गॉट द रैंक ऑफ बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और पंजाब का जो शहीद भगत नगर सिंह नगर है दैट वॉज ऑल्सो इन द
बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी ऑफ थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड. अभी लेकिन फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड का नॉमिनेशंस को लॉन्च किया गया, फाइल किया गया, ठीक है. वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड डिफरेंट अदर स्कीम जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो है कैच द रेन स्कीम, जल क्रांति अभियान, मनरेगा फॉर वाटर कंजर्वेशन, उसके दैट इज वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड वेरियस मनरेगा एक्टिविटीज़ होती है ना. नेशनल नीति आयोग के द्वारा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला जाता है वो है. जल जीवन मिशन फॉर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, हम सबके घर में नल लग रहा है इसके अंडर में, ठीक है. नेक्स्ट, द हिंदू से ये न्यूज़ लिया गया है. आर्टिकल 370, आर्टिकल 350 के आर्टिकल 35A के बारे में था. देखो एक्चुअली क्यों नहीं यूज था, क्योंकि इसका 3 साल हो गया है, राइट. मतलब जब से इसको एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से, तब से इसका 3 साल सेलिब्रेट हो गया. तो हम लोग जानते हैं आर्टिकल 370 था क्या, आर्टिकल 35A था क्या. देखो आर्टिकल 370 के अंडर जम्मू कश्मीर स्टेट को कुछ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रखने का अधिकार था, सेपरेट फ्लैग रखने का अधिकार था, और ऑटोनॉमी था उनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि डिफरेंट अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया को नहीं मिला हुआ था. बट जब से इसको एब्रोगेट किया गया ये सारे जो पावर उनको दिए गए थे ये छिन गए हैं, ठीक है. नेक्स्ट था आर्टिकल 35A जो क्या इम्पावर कर रहा था जम्मू कश्मीर स्टेट को, जिससे वो परमानेंट रेसिडेंस के क्राइटेरियाज निकाल सके. पता है ये इतनी ड्रैकोनियन लॉ थी ना आर्टिकल 35A, उसके तहत अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या बोलूं मैं, एक्सक्यूज मी, हाँ सोचो वहाँ के कोई लड़के हैं, ठीक है, वहाँ के लड़के ने अगर किसी लड़की को शादी किया, सोचो वो लड़की उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, तब तो वो लड़की आराम से रह सकती है वहाँ पे, और उस लड़का भी वहाँ पर ज़मीन भी खरीद सकता है. बट अगर वो वहाँ की घर की लड़की ने किसी उत्तर प्रदेश के लड़के से शादी कर लिया ना, तब वो लड़की विल नॉट नो मोर बी एलिजिबल टू ओन द लैंड ऑफ जम्मू कश्मीर. देख रहे हो कितना ड्रैकोनियन था ये, है ना. सो ये सारे लॉज को ख़त्म कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, एक प्रोविजन बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एप्लीकेबल है इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसके तहत ऑल प्रोविजंस विच सेपरेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर वेयर एब्रोगेटेड. ठीक है, अगर सब एब्रोगेट हो गया तो ऑटोमेटिकली 35A भी तो स्क्रैप हो गया ना जी, है ना. अच्छा, अंडर जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 2019 स्टेट वॉज रीऑर्गेनाइज into two union territories, that is एक तो था जम्मू कश्मीर जिसका लेजिस्लेचर खुद का अभी भी है, और एक है लद्दाख जो क्या बिना लेजिस्लेचर के हैं, ठीक है, याद रहेगा. चलो इस मूव का इम्पैक्ट क्या है, तो देखो पहले जैसे आईपीसी इंडिया में थे था, अभी जम्मू कश्मीर में आईपीसी है, बट इससे पहले रणबीर पेनल कोड नाम का एग्जिस्ट कर रहा था, सो दैट इज डन अवे विद, ठीक है. चलो नेक्स्ट, हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज़ है, अंडर ट्रायल्स के रिलेटेड न्यूज़ था. एक्चुअली देखो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट देखो जितने अंडर ट्रायल कन्विक्ट्स हैं ना, और अगर वो माइनर ऑफेंस के लिए पकड़े गए उनको छोड़ दो यार, है ना, ऐसा बोला गया. अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं, पहली बात तो ये, देखो कोई भी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया फॉर सम क्राइम और वो वेट कर रहे हैं टू अपियर बिफोर मैजिस्ट्रेट, अभी भी अपियर हुए नहीं है, ठीक है. इनफैक्ट ऐसे पता है केसेस कितने हैं, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 का डेटा के आधार पर 76% प्रिजनर्स है ना इंडियन जेल में, दे आर अंडर ट्रायल, समझ सक रहे हो आप. अच्छा, रीजंस फॉर हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स, व्हाट इज द रीजन, एक तो जस्टिस सिस्टम में इतने ज़्यादा डिलेड है, राइट, कोर्ट स्टाफ जजेस की कमी है, इनकंसिस्टेंसी है बेल सिस्टम देने में, राइट, पुअर लीगल रिप्रेजेंटेशन, लोगों को लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिलता ही नहीं है, गरीब लोगों को कौन देगा, उनके पास कहाँ से पैसा होता है बताओ, आप खुद सोचो. नाउ इनिशिएटिव्स फॉर अंडर ट्रायल्स क्या क्या है, सेटिंग अप ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मॉडर्नाइजिंग ऑफ प्रिजन रिफॉर्म, ओपन कोर्ट, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी लॉ जो क्या किया जा रहा है, ई प्रिजन प्रोजेक्ट है ना, क्लियरिंग देम ऑन मिशन मोड जो क्या अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो अगेन धीरे धीरे ये इनको हटा दिया जाएगा, मतलब लाइक जेल से छोड़ दिया जाएगा, राइट, क्लबिंग ऑफ सिमिलर पिटी ऑफेंसेस, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें की जा रही है. एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केयर रिपोर्ट. देखो केयर है बेसिकली एक एनजीओ है, ठीक है, एंड इन्होंने हाईलाइट किया ग्लोबल लिंक बिटवीन जेंडर इक्वालिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी. नाउ केयर क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो क्या बिल्ड करती है द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटीज, जिससे वो इंश्योर कर सके और मार्जिनलाइज्ड वुमेन्स और गर्ल्स कम्युनिटी के हेल्थ, लाइवलीहुड, एडुकेशन और डिजास्टर रिलीफ एंड रेडी रेजिलियंस से जिसके रिलेटेड काम कर सके, राइट. नाउ फाइंडिंग्स क्या क्या है,
बोला गया है इसके थ्रू दैट वुमेन्स आर मोर फूड इनसिक्योर देन मेन। ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाई चांस अगर आपको सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है, बाई चांस आपको वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बारे में बोल रहा है दैट हाँ भैया बताओ वुमेन के क्या क्या प्रॉब्लम है ना, तो आप इस केयर जो क्या एनजीओ है उसके रिपोर्ट को डायरेक्टली कोट कर सकते हैं दैट जी हाँ वुमेन्स आर मोर फूड इनसिक्योर देन मेन। इनफैक्ट जेंडर इक्वालिटी इतनी बढ़ गई है जिसके कारण ग्रेटर फूड इनसिक्योरिटीज हमें देखने को मिल रहा है अक्रॉस 109 कंट्रीज। इनफैक्ट जो इंसान का दैट इज मर्द का सपोर्ट अपने बीवी को होना चाहिए वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है इन हाउस होल्ड कोर्ट्स एंड चाइल्ड केयर। देखो ना, आप खुद सोचो ना, आपके अगर बच्चे हैं तो आपकी जो वाइफ है या फिर यू नो आप अगर खुद ही एक महिला हो, सो आप जितना केयर करोगे यू वुड एक्सपेक्ट योर पार्टनर ऑल्सो टू केयर फॉर द सेम, राइट, है ना। इनफैक्ट दिस इज हाउ इट शुड गो एक्चुअली, राइट, बट वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है ना। हाउस होल्ड के कामों तो पूरा यू नो दारोमदार लड़कियों के ऊपर दे दिया जाता है, ठीक है। ये देखो पैट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहा है ये तो मानना पड़ेगा, वही चीज बोला गया ना। देखो पैट्रियार्की एक तरीके से सही है, बट जब पैट्रियार्की सामने वाले दूसरे वाले जेंडर को अगर एक्सप्लॉइट करे देन पैट्रियार्की इज बैड। आप सुनो, सोचो ना, पैट्रियार्की सबसे में गलत नहीं होता। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने पार्टनर को अगर केयर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दैट अरे कितने रात को जा रही हो उससे मत जाओ, या फिर यू नो प्रॉपर व्हीकल मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, तो मैं उसका पॉजिटिवनेस दिखा रहा हूँ ना। सो ठीक है, इफ़ आई एम डूइंग दैट देन दैट्स फाइन, बट अगर मैं ऐसे चीज़ें उनको बोलने लगूँ जिससे शी विल फील अनकम्फर्टेबल, है ना, शी विल फील लाइक दैट ये बंदा तो खुद तो डोमिनेट कर रहा है, मेरे ऊपर डोमिनेट कर रहा है, खुद तो मस्ती करता है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो पैट्रियार्की दिखाती है, समझ रहे हो। ऐसा सेंस जहाँ पे यू नो इट हैज सेंस दैट ओके गाइज आर मच बेटर, सो दैट इज़ वॉट पैट्रियार्की इज़, समझ रहे हो बात। तो ये सब चीजें जो प्रॉब्लम है इस रिपोर्ट के थ्रू आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट, रामसर साइट्स कुछ कुछ ऐड किए गए दोस्तों, 10 रामसर साइट्स को, वेटलैंड साइट्स को एड अप किया गया है। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ देखो, इसको नोटिफाई किया जाता है अंडर यूनियन गवर्नमेंट्स वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, ठीक है, और अभी उसको डेजिग्नेट फाइनली रामसर साइट के इससे कर दिया गया है, ठीक है। और वो कौन कौन से है तो देखो, ये है कुछ कुछ, सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा में, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में, गोवा का पहला वेटलैंड नंदा लेक, ठीक है, रंगनिथु बर्ड सेंचुरी, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, वेम्बानुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। उसके बाद इधर देखो, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, उद्दामंगलपुरम बर्ड सेंचुरी, बाप रे कितना बड़ा नाम है ना, और कोंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, मतलब उड़ीसा, ये देख लो तमिलनाडु में 1, 2, 3, 4, 5 वेटलैंड साइट्स इंक्लूड किए गए, ठीक है, विच इज़ बिग। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कोंथाकुलम बर्ड सेंचुरी के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है दैट ये लार्जेस्ट रिजर्व है फॉर ब्रीडिंग रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ये पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है वेम्बानुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये एक आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक है और पार्ट है इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया का, ठीक है। नेक्स्ट वेल्लोर बर्ड सेंचुरी अगर देख लीजिएगा, ये लाई करता है इन टेम्पल टाउन ऑफ इरोड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इसको कंसिडर किया जाता है एक पैराडाइज बर्ड लवर्स के लिए क्योंकि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, ये आता है अंडर इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के अंडर। नेक्स्ट उद्यामरथादापुरम बर्ड सेंचुरी, ये नोटिसेबल बर्ड सेंचुरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स जैसे ओरिएंटल डार्टर, ठीक है, उसके बाद ग्लॉसी इबिस, ग्रे हेरॉन, यूरेशियन स्पूनबिल, ये सब सारे बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज सतकोशिया गॉर्ज, ये एक वेटलैंड है महानदी रिवर में लोकेटेड है। सतकोशिया एक मीटिंग पॉइंट है डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट का भी, ठीक है। नेक्स्ट इज नंदा लेक, ये लेक साउथ गोवा में है एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन नोटिफाइड एज वेटलैंड एंड इट विल बी द गोवास पहला रामसर साइट। नेक्स्ट रंगानिथु बर्ड सेंचुरी कर्नाटक में है, ये बर्ड सेंचुरी है मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटक में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सिरपुर वेटलैंड की अगर बात करें तो सिरपुर वेटलैंड के बारे में भी अब आपको क्लियरली देख लीजिए, खुद से थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ जब भी वेटलैंड्स के बारे में बात करें और रामसार कन्वेंशन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, जिसको नाम दिया गया है, एक रामसार नाम का जगह है ईरान में, ठीक है, तो उसके ऊपर। इट इज़ नोन ऑफिशियली एज कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली अ वाटरफॉल हैबिटेट, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के रिलेटेड बहुत समय न्यूज़ आया था, है ना, मतलब आते रहता है। इनफैक्ट इस पर यूपीएससी ने दो बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है, कभी भी कोई अगर वेटलैंड साइट को जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो, वो उसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ख़त्म हो जा रही है ना, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ला दिया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, दैट उस कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है उस रामसर साइट को कंजर्व करने के लिए। समझ लो बात, तो ये है। देखो यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है ना, क्लियरली डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछा गया। देख रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, यूपीएससी 2014 में देखो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में मैंने बोला ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं फालतू की चीज़ें थोड़ा ना डिस्कस कर रहा हूँ यार, जो चीज़ें आई हुई हैं वही सब तो चीज़ें डिस्कस की जा रही है। एनीवेज, नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन को लॉन्च करने की बात की जा रही थी, इसके रिलेटेड एक आर्टिकल आया था द हिंदू में एक्चुअली। नाउ एक्चुअली देखो, हमें समझना पड़ेगा दैट नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ट्राइबल के हेल्थ के को प्रॉपरली देखा नहीं जा रहा है, उनसे उनके द्वारा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है, इसीलिए ना बोला जा रहा है जी। तो इनफैक्ट देखो, लैंसेट रिपोर्ट के अदर 2016 में एक निकला था इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल हेल्थ, उसमें बोला गया था इंडिया हैज़ अ सेकेंड हाइएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ द ट्राइबल पीपल, नेक्स्ट ओनली टू पाकिस्तान। चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन अगर देख लीजिएगा ट्राइबल्स में 50% हाइयर है इन ट्राइबल चाइल्ड्स। समझ लो, नियरली 5.5 करोड़ लिव आउटसाइड द शेड्यूल एरियाज आर स्कैटर्ड एंड मार्जिनलाइज माइनॉरिटीज, जो क्या काफ़ी ज़्यादा पावरलेस है ना। पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनफैक्ट 27-40% डेफिसिट है उनके केस में, दैट इज़ उनको जितना मिलना चाहिए था प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, होता ही नहीं है। डॉक्टर्स जाते ही नहीं है गाँव वाले इलाका में, उन्हें फ़ायदा ही कुछ नहीं मिलता इसीलिए, ठीक है। लो पार्टिसिपेशन, दैट इज़ 7, देर इज हार्डली एनी पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल लोकली और एट द स्टेट और नेशनल लेवल इन डिजाइनिंग, प्लानिंग और डिलीवरिंग हेल्थ केयर टू द। सोल्यूशन क्या होना चाहिए भाई, लॉन्च करो एक नेशनल ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान। भाई क्या सोच रहे हो, है ना, 10 प्रायोरिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फोकस करना पड़ेगा, है ना, उन प्रायोरिटी रीजन्स में हमें प्रॉपरली काम करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। अगर एडिशनल मनी भी चाहिए ना, तो प्रॉपर उनको देखते हुए एलोकेट करना पड़ेगा, है ना, जिससे ऑफ कोर्स इनके हेल्थ केयर को प्रॉपर संज्ञान लिया जा सके। वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया के रिलेटेड न्यूज़ था। देखो वाटर के बारे में अगर थोड़ा चीज़ डिस्कस करें ना, तो इंडिया का हमें पता है दैट वर्ल्ड का 4% ऑफ वाटर रिसोर्स इंडिया के पास है, बट पॉपुलेशन कितना है, 17% से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट वाटर की अगर बात करें, ये की डिटरमिनेंट होता है हेल्थ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ कोई भी रीजन के लिए। ओवर 50% ऑफ एग्रीकल्चर जो है ना, इट वॉज स्टिल रेन फेड एग्रीकल्चर। ना सवाल होता है, ठीक है वाटर के रिलेटेड इतना तो बोल रहे हैं, बट क्या हमें करना चाहिए भाई। देखो हमें री इंजीनियर करना चाहिए ऑन साइट लोकल ट्रीटमेंट प्लांट्स को, जिससे वाटर के ट्रीटमेंट को हम लोग प्रॉपरली ये कर सके, वही तो बोला जा रहा है, फोकस ऑन रीयूज। अर्बन इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है ना, उसको क्यों ना हम रीयूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली बिल्कुल, बहुत देश कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर बिल्कुल ये सब चीज़ें कर रही हैं, हमें भी करना चाहिए। मिनिमाइज करना पड़ेगा हमें वेस्टेज, ठीक है। कैसे वेस्टेज करोगे, वाटर का पता है सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर में। चलो इंडस्ट्रीज़ को तो हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, बट एग्रीकल्चर को क्या होता है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रेगुलेट किया जाना मुश्किल है। आप खुद सोचो ना, हर गांव में क्या पुलिस रहेगी, क्या देखेगी इधर, नहीं नहीं इतना पानी यूज़ मत करो, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है, राइट, है ना। तो क्यों ना हम लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें इन वाटर एफिशिएंट इरीगेशनल एक्टिविटीज़, है ना। हम अपने डाइट्स को चेंज करें, क्यों ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके, है ना। स्पॉन्ज सिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। देखो क्या होता है ना, ट्रीटेड वाटर और वेस्ट वाटर उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा टू स्पॉन्ज रीजन। स्पॉन्ज रीजन के बारे में क्या होती है, देखो क्या होता है ना, बहुत सारे सिटीज़ जैसे गुवाहाटी ही ले लो, ठीक है, वेटलैंड्स है, पॉन्ड्स है, रेन गार्डन्स है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, इसी टाइप का गुवाहाटी काइंड ऑफ सिटीज़ को हमें दुनिया में सेटअप, मतलब इंडिया में अलग अलग सिटीज़ को सेटअप करना पड़ेगा, जहाँ पे वेटलैंड्स हो, पॉन्ड्स हो, जिससे क्या हो ना, दैट ये जो वेस्टेज वाटर है ना, उसको रिसाइकल करके इन पॉन्ड्स में छोड़ दिया जाए, ठीक है। और उन पॉन्ड्स में जिससे उस वाटर को फिर से धीरे 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 वो ग्राउंड वाटर में चला जाए, ठीक है, इस टाइप से एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क के रिलेटेड न्यूज़ था दोस्तों। अब क्यों न्यूज़ था,
वो आपको देखना नहीं है दैट कितने लोग मरे या फिर क्या क्या हुआ, वो सब दैट इज़ नॉट ऑफ योर कंसर्न ब्रो, है ना। आपके लिए जो जानना है दैट हाँ मानस नेशनल पार्क है कहाँ, ठीक है। मानस नेशनल पार्क पढ़ ही रहे तो ओरांग नेशनल पार्क के बारे में क्यों नहीं देखोगे भाई, नामेरी नेशनल पार्क के बारे में क्यों नहीं, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई जो कि रिसेंटली दिहिंग पटकाई और रायमोना को डेजिग्नेट किया गया था, दिब्रू साइकोबा, ठीक है। तो ये सब रीजन को सिर्फ जानने की कोशिश कीजिएगा। टेट्राबोट बेस्ड सी वॉल फॉर रिड्यूसिंग कोस्टल इरोजन। दोस्तों आपने पता होगा ना कोस्ट रीजन में भी इरोजन होता है, जैसे नॉर्मल फ्लूवियल इरोजन, एओलियन इरोजन होता है ना, ग्लेशियल इरोजन होता है, वैसे कोस्टल रीजन में भी इरोजन होता है। अब आप देखोगे कोस्ट में बहुत समय क्या होगा ना दैट ये सब नदियों में फेंक दिया जाता है, इससे क्या होता है दैट सोचो ये लैंड मास है, ठीक है, सोचो ये ओशन है, ठीक है। अब ओशन आके टकरा कर इस लैंड मास को धीरे धीरे इरोड करके अपने पास ले जाती है ना, तो ये सब अगर यहां पर रख दिया जाए ना तो पता है इरोजन का रेट बहुत हद तक घट जाता है, समझ रहे हो। तो यही चीज है टेट्रापॉड बेस सी वॉल, है ना। तो इसको केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली लगाया जा रहा है। तो बाई चांस अगर ऐसा कल को क्वेश्चन आ जाए बताओ भाई टेट्रापॉड बेस सी वॉल कहां पर लगाया जाता है, इससे क्या होता है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आप तैयार रहना, ठीक है। मतलब वही होता है ना दैट हर एक न्यूज का ए टू जेड 100% एक्सप्लेनेशन नहीं होता, जितना तक एक्सप्लेनेशन होता है वो अपन दे देते हैं, वही होता है ना दैट यू नेवर नो कहां से क्वेश्चन आ जाए, है ना। सो या आगे बढ़ते हैं। परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम। ये एक इनोवेटिव मार्केट लिंकेज स्कीम है दैट हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू अपलिफ्ट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स। अंडर द स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सब्सिडी ऑफ 25% ऑन फ्रीड चार्जेस। इससे फायदा क्या होगा पता है, एयर कार्गो से जो पेरिशेबल फ्रूट्स पहुंचाया जाता है ना उससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी मतलब फार्मर्स को एंड जो भी ट्रेडर्स हैं उनको, समझ रहे हो बात। तो ये जान के रखना। नेक्स्ट ग्रेट बैरियर रीफ के रिलेटेड न्यूज़ में था। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस रिपोर्ट बोला गया है दैट कोरल कवर जो पास 36 ईयर्स में है ना रिकॉर्ड किया गया नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर, इस रीजन और इस रीजन में सबसे मैक्सिमम किया गया है, समझ रहे हो। तो उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ था। इनफैक्ट अगर ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में डिस्कस करें तो दुनिया का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है जो क्या ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, है ना। ये वर्ल्ड हेरिटेज एरिया भी है सिंस 1980s। जी हाँ, ये वर्ल्ड का पहला रीफ इकोसिस्टम है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय यूनेस्को, है ना। इनफैक्ट ये होम है 400 टाइप्स ऑफ कोरल से भी ज्यादा, एक बहुत भयानक कोरल मरीन डाइवर्सिटी इधर एग्जिस्ट करती है। पता है आपने अगर कोरल्स में पढ़ा होगा, हम लोगों ने क्लासेस में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, दैट इज कोरल्स अगर देख लीजिएगा ना दुनिया का 0.1% ऑफ ओशन एरिया में रहती है, बट स्टिल पता है कितना मरीन डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी यहां पे रहता है 25%। कैन यू इमेजिन ओशन अगर 100% में 0.1% में कोरल्स रहते हैं और वहां पर 25% ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी हमें उस रीजन में मिलता है, समझने का कोशिश कीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरल्स, है ना। चलो कोरल ब्लीचिंग्स के बारे में भी अगर देख ले तो कोरल ब्लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसके तहत कोरल जो है ना व्हाइट हो जाता है। देखो कोरल क्या है, ये एक जानवर है, जी हाँ ये एक एनिमल है, एक एनिमल है जो क्या एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है एक एल्गी के साथ जिसका नाम होता है ज़ूज़ैंथले, है ना। अब ज़ूज़ैंथले के कारण ही ये रंगीन दिखता है, बट ज़ूज़ैंथले जब निकल जाता है ना तो ये इस टाइप का फीका पड़ जाता है, समझ रहे हो, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, समझ रहे हो बात। अब ग्रेट बैरियर रीफ में लास्ट कोरल ब्लीचिंग रिसेंटली मार्च 2022 में देखा गया था, समझ रहे हो। और ये कोरल ब्लीचिंग दुनिया में बहुत एक रैपिड फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि दुनिया भर में अगर देख लीजिएगा आप क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कार्बन का लेवल बढ़ रहा है जिसके कारण ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसी के कारण कोरल ब्लीचिंग्स के इंसिडेंसेस जो है बढ़ते ही दिख रहे हैं। चलो ये सब कुछ तो डिस्कस किया, अब एमसीक्यूज में आ जाते हैं दोस्तों। जैसे एमसीक्यू, सबसे पहला एमसीक्यू पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग डेफिनेशन, ये पिछला वाला एमसीक्यू पिछला दिन का एमसीक्यू था, ठीक है। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो बी वाला डेफिनेशन प्रॉपर था। COP 26 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों के तीनों सही थे, बट ये जो है ना 2070 होगा तो 4 नहीं होगा, तो 4 अगर नहीं होगा तो देखो सी और डी ऑटोमेटिकली एविक्ट हो गया, और 1 तो है तो ऑटोमेटिकली ए विल बी द करेक्ट आंसर,
नेक्स्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के रिलेटेड न्यूज था, जिसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, जिसमें BAC, जिसमें सभी लोगों ने सही यहां पर दिया है, सभी लोगों ने, वेरी गुड। ओके, व्हाट्सएप लिंक सेज इनवैलिड, जिंदा दिल, ओ जिंदा दिल, वाओ क्या नाम है यार। जिंदा दिल जी, देखिए आई विल टॉक टू द टीम रिगार्डिंग दिस, इफ द व्हाट्सएप लिंक इज नॉट वर्किंग राइट, डोंट वरी, वी विल प्रोवाइड यू द बेटर लिंक एंड यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल द वीडियोस, है ना। एनीवेज, अगर आज के क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैं आशा करता हूँ दैट आप लोग सभी कोई पहले बार के तरह प्रॉपरली इसे इंक्लूड कीजिएगा। सबसे पहला न्यूज है, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, आर्टिकल 35A कॉन्फर्ड ऑन जम्मू कश्मीर द पावर टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट फ्लैग एंड एन ऑटोनॉमी। आर्टिकल 370 Empower the Jammu Kashmir state legislature to define permanent residence of the state. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ स्टेटमेंट, या फिर नीदर नॉट, वन टू। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेटलैंड रिकॉग्नाइज फ्रॉम गोवा, नंदा लेक, सिरपुर वेटलैंड, सतकोशिया गॉर्ज, या फिर वेलोड बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज कम अप विद परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज, तेलंगाना, असम, जम्मू कश्मीर, या फिर लक्षद्वीप। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप, एंड आई जस्ट होप दैट हर बार की तरह आप लोग इस बार भी सही आंसर दीजिएगा। एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।